अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है हमारे पास साउंड। इस चैप्टर के अंदर हमने साउंड को डिस्कस करना है, साउंड की जनरेशन कैसे होती है, ट्रैवल कैसे करती है, इसकी स्पीड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और ह्यूमन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, इस तरह साउंड की एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर हम साउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ साउंड। साउंड होती क्या है? साउंड जो है एक सेंसेशन है जिसको हमारे ईयर्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। साउंड हमेशा हमारे ईयर जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। साउंड जो आती है वो कहाँ से आती है? हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारी साउंड्स जो होती हैं मौजूद होती हैं, या तो वो न्यू म्यूज़िक होता है, या वो कम्युनिकेशन की साउंड्स होती हैं, या वो वॉइस होती है। तो कम्युनिकेशन, जब भी हम बात कर रहे थे दो लोग आपस में, जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं, या आप म्यूज़िक लगा रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, या आपके पास नॉइज़ आ रही है कोई हैवी मशीनरी जो है उसकी साउंड जो होगी, या एरोप्लेन पास होता है उसकी साउंड होगी, इसको हम नॉइज़ के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि नेचर ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है। साउंड बेसिकली क्या होती है? वेव्स होती हैं, और ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स के अंदर मज़ीद डिफाइन करूँ तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो। जब भी साउंड वेव्स मीडियम के अंदर पास होती हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट के दरमियान में, और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होता है साउंड वेव्स के दरमियान में 0 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और चूँकि साउंड वेव्स जो होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। अब साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बगैर साउंड जो होती है वो नहीं होती। जब भी आपने साउंड क्रिएट करनी है तो आपको वाइब्रेशन जो होती है वो बॉडी के अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने बाइक की बेल देखी होगी, वैसे अगर आप उसको मूव चलाएंगे तो आपको साउंड आएगी, लेकिन आप उसको ऊपर से होल्ड करके रखें, जब होल्ड करके रखेंगे उसको, उसके बाद ऑपरेट करेंगे तो आपके पास साउंड जो होगी वो नहीं आएगी। इसकी वजह क्या होती है? जिस चीज़ें वाइब्रेशन थी उसको हमने रोक दिया, उसके बाद साउंड आपके पास नहीं आएगी। तो साउंड को क्रिएट करने के लिए वाइब्रेशन चाहिए हमें, और वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको कोई मैकेनिकल फोर्स जो होगी वो चाहिए होगी। तो साउंड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। सबसे पहली बात है वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर है ट्रांसमिटिंग मीडियम, और तीसरी हमारे पास है हियरिंग डिवाइस। साउंड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है, साउंड के ट्रैवल करने के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, और साउंड को हियर करने के लिए किसी डिवाइस का होना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो उसके पास हियरिंग डिवाइस जो है वो ईयर है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मौजूद हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो हम वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। आपने डेली लाइफ के अंदर देखा होगा कि जब भी आपका पीएन जो होता है वो बेल को हिट करता है किसी भी हार्ड चीज के साथ, अब वो जो आपकी बेल है वो बनी हुई है किसी भी मेटल की, आयरन की है या स्टील की है, जब वो इसको हिट करता है उस हिटिंग से उसके अंदर वाइब्रेशन जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, और वही वाइब्रेशन जो हैं वो ट्रैवल करती हैं मीडियम के अंदर से और आपके ईयर मेम्ब्रेन के ऊपर आके हिट करती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन ऑफ साउंड जो होता है वो क्रिएट होता है। इसका मतलब है कि साउंड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। अब आगे हम देखेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके साथ अगर आप उसका एम्पलीट्यूड जो रहता है उसको बढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है साउंड के ऊपर। दूसरी बात होती है ट्रांसमिटिंग मीडियम। अपने बात की कि साउंड जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी स्पीड जो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो साउंड की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट होगी। तो दूसरी बात यह कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं हो सकती, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है, उसके अंदर हमने ये प्रूव करना है हमारे पास जो होती हैं वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, हमने एक जार लेना है, जार के अंदर आपने एक बेल रखनी है, ये कंटेनर जो है इसके साथ आपने एक वैक्यूम पंप लगाना है जो कि एयर को पंप आउट करेगा। इनिशियली जब आप इस बेल को
इलेक्ट्रॉनिकली आप इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। तो निचली देखेंगे जब आप इसको अपने पंप को नहीं चलाया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर जो होगी वो मौजूद होगी। तो जब आप इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे तो आपके पास बेल की साउंड जो होगी वो आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन आप उसके बाद क्या करें, पंप को ऑन कर दें। जैसे ही इस सक्शन पंप को आप ऑन करेंगे ये इसके अंदर से जो एयर है उसको सक आउट करना शुरू कर देगा। तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ये साउंड जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है। ब्रेक टाइम ऐसा आता है कि जब इसके अंदर एयर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है तो बेल की साउंड जो होती है वो आना बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है साउंड को पास होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत जो होती है वो होती है, इसके बगैर ये इस मीडियम के अंदर से पास नहीं हो सकती। थर्ड चीज़ जो है वो आपके पास आती है हियरिंग डिवाइस। तो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हियरिंग डिवाइस का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो होते हैं उनके पास ईयर होता है जिसके ज़रिए वो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन जो होता है वो भी साउंड को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अब होता क्या है कि आपके वाइब्रेशन से जो साउंड क्रिएट हुई थी वो वाइब्रेशन जो है एज ए वेव जो है वो मीडियम की जैसे ट्रेवल करती है। तो जब भी वो किसी डिवाइस के साथ, ऐसी डिवाइस जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आकर टकराती है, हीट करती है, तो उसके अंदर से दोबारा वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होती है। अब जो हियरिंग डिवाइस के ऊपर वाइब्रेशन क्रिएट हुई और जो जिस वाइब्रेशन की वजह से हमारी साउंड जो थी वो क्रिएट हुई थी, ये दोनों वाइब्रेशन की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं, जिसकी वजह से जो आवाज़ आप सुन रहे होते हैं ये वैसी ही साउंड होती है जैसे कि वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होती है। अस्सलाम वालेकुम, हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे जो कि है साउंड से रिलेटेड। हमने साउंड की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया था कि साउंड कैसे जनरेट होती है। आज हमने देखना है कि साउंड की करैक्टरिस्टिक जो हैं वो कौन कौन सी हैं, और साउंड जब एयर के अंदर से ट्रैवल करती है तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो शेयर करती है। तो सबसे पहले तो पता चल जाए कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी नेचर जो है वो क्या होती है। तो साउंड वेव्स जो होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जब ये एयर के अंदर से ट्रैवल करती हैं तो इसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, ट्यूनिंग फोक के अंदर से जब हम साउंड को क्रिएट करते हैं साउंड का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब जब ट्यूनिंग फोक के पॉइंट्स जो होते हैं वो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये इसकी मेन पोजीशन है ओ, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ए और बी। जब ये वाइब्रेट करता है तो इसकी जो साउंड वेव्स क्रिएट होती हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी वाइब्रेशन को नोट करके। तो जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर जाता है तो क्या करता है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कंप्रेस कर देता है। जो एयर के मॉलिक्यूल्स इसके करीब होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, उनके दरमियान में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाएगा। अब जब भी हमें पता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है किसी भी मीडियम के अंदर तो वो डिस्टर्बेंस जो होती है वो स्टॉप नहीं होती बल्कि वो मीडियम के अंदर से ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। उस डिस्टर्बेंस के नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के वो अपनी मेन पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं और वाइब्रेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो वाइब्रेशन स्टार्ट होगी, डिस्टर्बेंस जो हमने क्रिएट की है ये जो स्टॉप नहीं होगी बल्कि क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये अपनी जो डिस्टर्बेंस है उसको नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे वाले ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं वापस अपनी मेन पोजीशन पे वापस आएंगे, इनके दरमियान में डिस्टेंस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसके आगे जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं अब इनके अंदर हमारे पास कंप्रेशन जो है वो क्रिएट होगी। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब हो गए, तो अब हमारे पास जो रीजन बने हैं वो इस तरह से हैं, ये हमारे पास रेयरफैक्शन का रीजन है, और इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। वो रीजन जहाँ पे किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होगा, उसको हम नाम देंगे कंप्रेशन का। और वो रीजन जिसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होंगे उसको हम नाम देंगे रेयरफैक्शन का। तो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म के अंदर ट्रैवल करती हैं। कुछ पॉइंट्स के ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये रीजन, और कुछ रीजन के अंदर एयर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास जो होती है वो कंप्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब हमारी साउंड वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है राइट साइड के ऊपर इस एग्जांपल के अंदर। अब मैं अगर मॉलिक्यूल्स हैं वो मीडियम की उनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करूँ तो
तो मैं देख सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो भी लेफ्ट एंड राइट हो रही है, जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रही है वो भी लेफ्ट एंड राइट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस और रेयर फैक्ट हो रहे हैं। अब साउंड की डायरेक्शन भी ये और मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन भी लेफ्ट एंड राइट, तो इन दोनों के दरमियान में अगर मैं देखूँ तो 0 डिग्रीज का एंगल जो है वो है। इसका मतलब है कि इन दोनों ये दोनों जो डायरेक्शन हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ऐसी वेव्स जिनके अंदर जो डायरेक्शन होती है वेव्स की और गैस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट दोनों के दरमियान में 0 डिग्री का एंगल है, तो उनको हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं।